हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं किड्स के लिए ग्रिल सैंडविच बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ब्रेड यूज़ की है, ये ब्राउन ब्रेड है। और वेजिटेबल्स में मैंने अनियन यूज़ किया है, कैप्सिकम है, ये आपका चीज़ है, आपका थोड़ा सा ये मसाला है जो कि घर में बनाया हुआ है, ये आपका टोमेटो केचप है, और ग्रीस के लिए मैंने बटर यूज़ किया हुआ है। इसे बनाना बहुत ईजी है, ये हार्डली 10 मिनट्स में रेडी हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो ब्रेड लेंगे, इसे हम स्पून की हेल्प से इस पर टोमेटो केचप लगाएंगे। अगर आप चाहें तो मार्केट में बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस आता है, आप चाहें तो उसको भी लगा सकते हैं, बट मैं जो घर में अवेलेबल होता है वो मैं यूज़ करूँ। केचप लगाने के बाद हम इस पर जितनी भी वेजिटेबल्स हमने चॉप की थी ये सारी वेजिटेबल्स को डाल देंगे। अब इस पर कैप्सिकम हम डालेंगे। इसके बाद हम चीज़ को ग्रेट करेंगे। देन हम इस पर जो भी मसाला यूज़ कर रहे हैं, ये घर का बना हुआ मसाला है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। और सेकेंड वाली जो ब्रेड हमने जिस पर टोमेटो केचप लगाया था उससे हम कवर कर देंगे। इसके बाद हम एक ग्रिल पैन लेंगे, इसे थोड़ा सा हीट करेंगे। फिर हम ये ब्रेड को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर ओवर कुक करेंगे तो ये जल भी सकता है। ब्रेड की नीचे साइड की लेयर पक चुकी है, अब हम ऊपर साइड के लेयर पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इसे पलट देंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पका है।
1 मिनट इसे और पकाएंगे, इसके बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व के लिए। अब ये पक चुका है, अब हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे। और इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। ये देखिए आपका ग्रिल सैंडविच खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। और इसे सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये देखने में जितने ही डिलीशियस है उतने ही खाने में डिलीशियस है। इसे बनाने में ज़्यादा सही समय नहीं लगता है, तो इसे ट्राई करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।